जय श्री राधे। हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में नवधा भक्ति का निरूपण किया। आचार्यों ने टीका की कि नवधा भक्ति का अनुष्ठान सासंग और अनासंग दो प्रकार से होता है। सासंग से तात्पर्य आसक्ति पूर्वक अनुष्ठान, सासंगता की महिमा हम लोग श्रवण कर रहे थे, लेकिन उस सासंगता की सिद्धि कैसे हो? वह सासंगता यानी भगवान में आसक्ति कैसे हो? अभी हमारी इतर वस्तुओं में आसक्ति है, तो वह आसक्ति जो श्री नारद जी ने वर्णन की नारद भक्ति सूत्र में, वह आसक्ति हमारी भगवान में कैसे हो? सासंगता की सिद्धि कैसे हो? तो प्रथम तो यह विचार करना चाहिए कि आसक्ति कैसे होती है। भगवान ने एकादश स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव जी को बताया, विषयान ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रवलीयते। जिसका आप चिंतन करेंगे, जिसका आप चिंतन करेंगे उसमें आपकी आसक्ति होती चली जाएगी। भगवान ने गीता में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में। विषयान ध्यायतः, जिस जो आपके चिंतन का विषय है, लौकिक कोई वस्तु, लौकिक कोई व्यक्ति, लौकिक कोई पदार्थ यदि चिंतन का विषय है तो वहां निश्चित है आसक्ति है, निश्चित वहां आसक्ति होगी। यदि अपना आराध्य, अपने प्रभु यदि चिंतन के विषय हैं तो निश्चित वहां आसक्ति होगी। तो सासंगता की सिद्धि कैसे हो? सासंगता यानी आसक्ति पूर्वक, आसक्ति भगवान में कैसे हो? तो इसके निमित्त चिंतन, एकादश स्कंद में कहते हैं प्रभु, विषयान ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते। विषयों का ध्यायतः माने चिंतन करोगे तो यह चित्त विषयों में अनुरक्त हो जाएगा। और माम अनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रवलीयते, मेरा यदि नित्य निरंतर चिंतन करोगे तो माम अनुस्मरतश्चित्तं, मेरा चिंतन करोगे तो मई एव प्रबलियते, आपके चित्त का विलय मेरे में ही हो जाएगा, मुझ में ही आसक्त हो जाएगा। तो क्रम है, सासंगता कैसे आए, भगवान में आसक्ति कैसे हो, उनका चिंतन। चिंतन में और आसक्ति में अन्योन्याश्रय संबंध है।
अन्योन्यात्र संबंध से तात्पर्य है चिंतन से आसक्ति। जिसका चिंतन करोगे उसमें आसक्ति, और जिसमें आपकी आसक्ति है उसी का दृढ़ता से चिंतन। ये अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में। जैसे भक्ति के अनुष्ठानक क्रम में श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, आदव श्रद्धा ततो साधु संग, श्रद्धा पूर्वक साधु संग, यानी साधु संग से पूर्व श्रद्धा होना अनिवार्य है। और उधर तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में 25वें श्लोक में सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन तीर्थकरण रसायना कथा तज्जो क्षणाद आश्वपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। साधु संघ से श्रद्धा की उत्पत्ति। तो प्रथम जो आदव श्रद्धा बताया साधन विषयणी श्रद्धा है, और साधन विषयणी श्रद्धा से युक्त होकर के साधु संघ किया तो प्रसंगान मम श्रद्धा रतिर भक्ति वह साध्य विषयणी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो आसक्ति से पूर्व का चिंतन सामान्य चिंतन चलेगा, और आसक्ति के बाद जो चिंतन चलेगा वह दृढ़ता से गाढ़ता को प्राप्त होकर के वह चिंतन चलेगा। इतना मात्र भेद है, बाकी आसक्ति जहां है जिस वस्तु में वहां चिंतन। और आसक्ति की उत्पत्ति, आसक्ति कैसे होती है, तो भगवान कह रहे हैं ध्यायतः विषयान् पुंसः। जिसका आप चिंतन करोगे, जिस अनुपात में आपके चिंतन की अवस्थिति है उस अनुपात में निश्चित वहां आसक्ति है। भगवान में आसक्ति कैसे हो, चिंतन। आसक्ति की उत्पत्ति चिंतन से, और चिंतन किसका चलेगा, चिंतन किसका करोगे, चिंतन मन का विषय है। तो 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं दृष्टस्य श्रुताभ्याम मनसानुचिन्तयन्, स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम्। दृष्टस्य श्रुताभ्याम मनसानुचिन्तयन्, दृष्ट माने जो आपने देखा, श्रुत माने जो आपने सुना। दृष्ट वस्तु का और श्रुत वस्तु का मन से चिंतन होता है। जिसको आप देखेंगे उसका चिंतन, चिंतन से आसक्ति, और आसक्ति से पुनः पुनः देखने की अभिलाषा। श्रुत जो कुछ भी हमने सुना तो श्रुत विषय का चिंतन। दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन, वैसे ही की चर्चा हमने श्रवण की, किसी वस्तु विशेष का महात्म्य श्रवण किया तो श्रवण करने से उसका चिंतन चला, यानी आखिर वह वस्तु ऐसी किस प्रकार की है जिसका यह वर्णन कर रहे हैं, वो वस्तु कैसी है, आखिर उसको देखना तो चाहिए। प्रथम क्षण आपने सुना, सुन करके उसका चिंतन चला, चिंतन से उसमें आसक्ति भई, आसक्ति से पुनः उसको देखने की लालसा उत्पन्न भई। तो दृष्ट श्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन, मन से चिंतन किसका चला, दृष्ट विषय का अथवा श्रुत विषय का जिसको आपने सुना। इसलिए हमारे यहाँ विग्रह स्थापन की विधि है शास्त्रों में, अर्चा विग्रह स्थापन की विधि।
अपने अर्चा विग्रह को स्थापित करके विविध प्रकार के उपचार सामग्रियों से पूजन करना, श्रृंगार करना, श्री ठाकुर जी के रूप को निहारना, और क्योंकि उसको निहारोगे, उसका दर्शन करोगे, तो उसी का चिंतन होगा और चिंतन से आसक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से श्रवण सासंगता कैसे आएगी, चिंतन, और चिंतन कैसे होगा, दृष्ट श्रोताभ्याम मनसान चिंतन, जिसको देखोगे जिसको सुनोगे उसका चिंतन चलेगा। रुक्मिणी मैया ने भगवान को पहले देखा नहीं था, लीला दृष्टि में नारद जी का आना जाना था। नारद जी प्रायः श्री ठाकुर जी के रूप गुण शील स्वभाव की चर्चा भीष्मक महाराज के यहाँ करते थे, तो सुनते सुनते ही, श्रवण करते करते ही रुक्मिणी जी का चित्त भगवान में अनुरक्त हो गया, और इतना अनुरक्त हो गया कि बिना देखे ही, केवल श्रवण मात्र से उनको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। ब्राह्मण को भेजा पत्र लेकर के, और ब्राह्मण पहुंचा तो पत्र में प्रथम श्लोक अपनी मनस्थिति श्री रुक्मिणी अम्बा ने प्रकट की। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अकलार्तलावम त्वय्यच्युता विशत चित्तमपत्रपम्बे। हे अच्युत, त्वयि यानी आप में यानी मेरा, अपत्रपम चित्तम आविशति, यह जो मेरा चित्त है या आप में पूर्ण रूप से आविशति माने आविष्ट हो गया है, अनुरक्त हो गया है, आसक्त हो गया है। बोले अरे आपने तो हमको देखा नहीं कभी पहले, कोई पूर्व परिचय नहीं, ऐसे अनुरक्त कैसे हो गया? तो रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। संबोधन क्या करती हैं? भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, भगवान के सौंदर्य को देखा नहीं है अपनी अभी रुक्मिणी जी ने, त्रिभुवन सुंदर संबोधन कैसे कर दिया केवल सुनने से? सुना, नारद जी बार बार आकर के प्रभु के रूप का वर्णन करते हैं, तो बार बार जिसको हम सुनते हैं उसकी एक आकृति हमारे चित्त पर अंकित हो जाती है। नारद जी आकर के वर्णन करते हैं बार बार, ऐसा श्याम वर्ण है, पीतपट धारण करते हैं और बड़ा ही मनोहर स्वरूप है। तो सुनते 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 एक आकृति रुक्मिणी जी के चित्त पर अंकित हो गई, और वह आकृति कैसी थी? त्रिभुवन सुंदर आकृति। कोई अपने घर में सुंदर होवे, गृह सुंदर होवे, कोई अपने मोहल्ला में सुंदर होवे, कोई अपने गांव नगर में सुंदर होवे, नगर सुंदर, कोई विश्व सुंदर होवे या विश्व सुंदरी होवे, लेकिन भगवान त्रिभुवन सुंदर, त्रैलोक्य में उनके रूप की कोई समता नहीं कर सकता। तो यह रूप जो श्री रुक्मिणी जी लिख रही हैं, यह अभी देखा तो है नहीं उन्होंने, त्रिभुवन सुंदर कैसे लिखा? बोले सुनते सुनते नारद जी बार बार आकर के उनके रूप की प्रशंसा करते, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो वह रूप एक आकृति एक छवि रुक्मिणी जी के चित्त में अंकित हो गई, और लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, हमारा चित्त आप में पूर्ण रूप से आविष्ट अनुरक्त आसक्त हो गया है। बोले कैसे?
बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम रूपम दृशाम दृशमताम अखिलार्थ लाभम। हे भुवन सुंदर, ते गुणान श्रुत्वा, आपके गुणों को सुनते सुनते। आपके गुण कैसे हैं? श्रृणवताम तापम हरतः, आपके गुण जो उनको श्रवण करता है उसके ताप दुख को निवृत्त करने वाले हैं। एक नित्य निरंतर अनुक्षण एक असीम आनंद का वर्धन करने वाले हैं आपके गुण। तब गुणान श्रुत्वा और रूपम दृश्यमताम दृशाम अखिलार्थ लाभम। आपने क्या सुना? बोले ते गुणान, आपके गुणों को सुना और आपके रूप के विषय में सुना। आपका रूप कैसा है? दृश्यमताम दृशाम अखिलार्थ लाभम। दृश्यमताम यानी आंखों वाले, जो अंधे हैं उनकी बात अलग है, बाकी जो आंख वाले हैं उनकी आंखों का अखिलार्थ लाभम, उनकी आंखों की सार्थकता, उनकी आंखों का चतुर्विध पुरुषार्थ, उनकी आंखों का सर्वस्व। क्योंकि आंख को क्या चाहिए, नेत्र को क्या चाहिए? रूप। चक्षुर इंद्रिय का विषय रूप है, नेत्र रूप की ओर आकृष्ट होता है। तो रुक्मिणी अम्बा कहती हैं, दृश्यमताम दृशाम अखिलार्थ लाभम, जो नेत्र वाले हैं, दृश्यमताम हैं, उनकी दृशाम माने आंखों का जो वास्तविक लाभ, जो गोपियों ने कहा था दसम स्कंद के 21वें अध्याय में 7वें श्लोक में, अक्षणवताम फलविदम न परम विदामः सख्या पशुनन विवेशयतोर्वयेश्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवैण जुष्टम यैर्वा निपीत मन रक्त कटाक्ष मोक्षम। परस्पर में चर्चा करती हैं वेणु गीत में, सखियो श्याम सुंदर गोचारण के लिए जा रहे हैं अथवा गौचारण करके लौट के आ रहे हैं, दोनों छवियों को निहारती हैं। गोपियां कहती हैं आंखों की सार्थकता इसी में है। अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामा, इससे आगे भी कोई आंखों की सार्थकता सिद्ध करने वाला कोई फल है, आंखों की कोई साफल्य है, हम नहीं जानते क्योंकि है ही नहीं। अक्षणवताम फलमिदम, आंखों वाले जो हैं नेत्र वाले, उनकी नेत्रों का जो फल है वह केवल इतना ही है, इससे आगे नहीं है। न परम विदामा, हे सखियो पशुन अनु विवेशयतोर वयस्यै, आगे आगे गाय जा रही हैं, गायों के पीछे अपने वयस्य परिकर से, अपने सखा परिकर से समावृत होकर के श्याम सुंदर जा रहे हैं। अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः सख्या पशुन अनु विवेशयतोर वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणु जिष्टम वेणु से युक्त ब्रजेश नंदन श्याम बलराम। इनके मुखमंडल का जिसने दर्शन कर लिया, उनके नेत्र पाना सार्थक हो गया। वह रूप की अतिशयता, रुक्मिणी जी कह रही हैं दृश्यमताम दृशाम अखिलार्थ लाभम, नेत्र वालों की नेत्रों की सार्थकता, उनको अखिल लाभ प्रदान करने वाले, उनके समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले आपके रूप को मैंने सुना कि आप इतने सुंदर हैं। कर्दम बाबा ने तपस्या की तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में,
भगवान प्रकट हुए तो करदम जी ने स्तुति की। प्रथम बार इतना सौंदर्य प्रभु का देखा, प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। करदम जी कहते हैं, आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए। जुष्टम बताद्या क्लेशत्व राशे सांसिध्य मक्षिणोस्तव दर्शनान्न। हमारे नेत्रों का जो सांसिध्य माने जो सिद्धि है, सार्थकता है, तब दर्शनान, आपके दर्शनों से वह सार्थक हो गया। जो आपके रूप दर्शन करने का सौभाग्य लाभ प्राप्त हुआ। नेत्र में रूपा शक्ति होती है, रूप को देखता है। आज किसी रूप को देखा, कोई अपने घर में सुंदर है, उस व्यक्ति को देखा, आंख उस पर चली गई, उसके समीप ही कोई और उससे बढ़कर के सुंदर आया तो नेत्र वहां चला गया। प्रथम को छोड़ दिया, द्वितीय जो जिसका और अतिशय सौंदर्य है वहां नेत्र चला गया। आगे कोई तृतीय व्यक्ति आ गया, उसका सौंदर्य उससे भी बढ़ करके है, तो द्वितीय व्यक्ति को छोड़ करके तृतीय व्यक्ति पे नेत्र चला गया। आगे कोई और उससे भी सुंदर आया तो तृतीय व्यक्ति को भी नेत्र ने छोड़ दिया, उस चतुर्थ पे नेत्र। नेत्र को क्या चाहिए, नेत्र की प्यास क्या है? रूप की प्यास। तो इसी क्रम से एक ऐसा रूप आए जिससे बढ़कर के कोई रूपवान हो ही नहीं, जिससे बढ़कर के कोई रूपवान हो ही नहीं, रूप की सौंदर्य की जो सीमा हो, क्योंकि नेत्र तो रूप चाहता है। तो ऐसा रूप किसका है? ऐसा रूप श्री ठाकुर जी का है। रूप की सीमा, सौंदर्य की सीमा। रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य भाई हैं धनुर्धर जी, पहलवान थे। जब श्री रामानुजाचार्य जी की शरणापत्ति ग्रहण की, उससे पूर्व उनका चित्त अपनी पत्नी के सौंदर्य में आविष्ट था। उनकी पत्नी बड़ी लावण्यवती थी, सुंदरी थी। इतने बड़े पत्नी भक्त थे कि निरंतर अपनी पत्नी को निहारते रहते थे। यहां तक कि मार्ग में कहीं जाती थी तो वो धूप के कारण वर्ण काला न हो जाए तो छाता ले करके पत्नी के ऊपर, और पत्नी चल रही है, पत्नी को देखते भाई, दर्शन करते भाई चल रहे हैं। इतने ये सौंदर्य के पुजारी थे। यहां तक कि मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो पत्नी ठाकुर जी के दर्शन कर रही है और ये महाराज जी पत्नी के दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की ओर पीठ करके। रामानुजाचार्य जी विराजमान थे, रामानुजाचार्य जी ने देखा है ऐसा पत्नी भक्त तो हम पहली बार देख रहे हैं, कि वो भगवान को भी नहीं देखना चाह रहा, वो पत्नी को ही देखे जा रहा है। रामानुजाचार्य जी ने समीप में एक बुलाया तो वहां पर भी वही स्थिति, पत्नी रामानुजाचार्य जी की ओर हाथ जोड़ के खड़ी है और धनुर्धर जी रामानुजाचार्य जी की ओर पीट करके खड़े हैं पत्नी को देखते भाई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रामानुजाचार्य जी ने कहा, भाई तुम इस प्रकार से अपनी पत्नी को क्यों निहारते रहते हो? बोले, इसमें क्या पूछने की बात है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है इसीलिए मैं देखता रहता हूं। रामानुजाचार्य जी ने कहा, यदि इससे भी कोई सुंदर चीज हम तुम्हें दिखाएं तो बोले मैं उसको देखने लग जाऊंगा, मेरी आंखों को तो सौंदर्य चाहिए। तो ठीक है, हम तुमको इससे भी अच्छी चीज दिखाएंगे, आओ हमारे साथ,
आरती की वेला थी, रंगनाथ जी के मंदिर में गए, रंगनाथ जी से प्रार्थना की, आचार्य जी ने प्रभु कृपा करो इस बेचारे प्राणी को अनुग्रहित करो, अपनों एक ये मिट्टी के रूप को ही इसी में इसने अपनी सार्थकता समझ रखी है, इसी को सब कुछ समझ रखा है, एक झांकी अपनी दिखा दो प्रभु। रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की, श्री रंगनाथ जी ने एक झांकी अपनी दिखाई, भगत जी तो बावरे रह गए, धनुर्धर पहलवान देखते रह गए श्री ठाकुर जी के रूप को। यस्यांगे खिल सर्ग सौष्ठवम, संपूर्ण रूप नहीं, जिनका एक अंग भी, एक अंग का जो सौंदर्य है, नेत्र को ले लो तो नेत्र का सौंदर्य, अलकावली को ले लो तो अलकावली का सौंदर्य, वीक्षा लका वृत कुंडल श्री, गोपियों ने कहा था प्रणय गीत में, मुखमंडल को ले लो तो मुखमंडल की शोभा। यस्यांगे खिल सर्ग सौष्ठवम, संपूर्ण सर्ग माने सृष्टि का जो सौष्ठव है, संपूर्ण सृष्टि के सौष्ठव यानी सौंदर्य और लावण्य को आप संग्रहित कर लो, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में विधाता की सृष्टि में जितना सौंदर्य है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ में जहां भी जो सौंदर्य है, उस सब सौंदर्य को संग्रहित कर लो, इकट्ठा कर लो एक पक्ष में, और दूसरी ओर श्री ठाकुर जी का एक अंग, चाहे नेत्र कमल को ही ले लो, चाहे कर कमल को ही ले लो, चाहे नकमणि चंद्रिका को ही ले लो, वह अखिल सर्ग सौष्ठव, संपूर्ण सृष्टि का वह सौंदर्य श्री ठाकुर जी के एक अंग के सौंदर्य की भी समानता नहीं कर सकता। यस्यांगे खिल सर्ग सौष्ठवम, तो ऐसा अनुपम रूप जब दिखाया श्री रंगनाथ जी ने, तो धनुर्धर पहलवान देखते ही रह गए। पत्नी ने कहा, जी अब देखते ही रहोगे या घर भी चलोगे? बोले अब घर नहीं जाना, अब तो इतनी सुंदर झांकी हमको देखने को मिली, अब तो हम इन्हीं को निहारते रहेंगे। रामानुजाचार्य जी से दीक्षित हुए और वह परम वैष्णव हुए। तो रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ रावम, आंखों को, आंखों की सार्थकता, ऐसा रूप जिससे बढ़कर के कोई रूपवान न हो, यही तो आंख चाहती है। एक कोई रूपवान आया उसको देखा, उससे कोई बढ़कर के रूपवान आया तो उसको छोड़ करके वहां आंख चली गई, उससे भी बढ़कर के तो वहां, तो इसी क्रम में ऐसा कोई रूपवान जिससे बढ़कर के कोई सुंदर हो ही नहीं, तो ऐसे सुंदर रुक्मणी जी कहती हैं आप हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतामते निर्विश्य कर्ण विवरई रहतुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तो ये च्युता विशत चित्त चित्तम अपत्रपम्बे। तो आपके उस रूप को सुन करके, उस रूप की महिमा को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके मेरा चित्त आप में आविष्ट हो गया है, आप में अनुरक्त हो गया है। तो यह जो रुक्मणी जी का चित्त अनुरक्त हुआ, आसक्त हुआ, यह सासंगता आई, कैसे आई? श्री ठाकुर जी के गुणों को सुन करके, उनके माधुर्य के विषय में श्रवण करके। तो जो सुनोगे, जो देखोगे, उसका चिंतन चलेगा, जिसका चिंतन चलेगा उसमें आसक्ति होगी। इसीलिए प्रथम श्रवण भक्ति को रखा गया, प्रथम श्रवण भक्ति को, सभी जो नवदा भक्ति उसकी जो मूला भक्ति, प्रथम श्रवण भक्ति को रखा गया कि पहले सुनो, सुनते सुनते जिस विषय को सुनोगे उसका चिंतन चलेगा, जिसका चिंतन चलेगा उसमें आसक्ति हो जाएगी। और सुनने को कहां मिलेगा? संतों के समीप में, महापुरुषों के समीप में। इसलिए कपिल देवी जी ने कहा था, मां
सताम प्रसंगान मम वीर्य संमेदो भवन तीर्थकर्ण रसायना कथाः तज्जो क्षणाद आश्वपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के समीप में जाओ, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। तो सताम प्रसंगान, संतों के साथ में बैठोगे तो वहां पर क्या लाभ होगा? मम वीर्य संविदा, मेरी लीला मेरी कथा वहां पर आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। वो कथा कैसी होती है? हृत कर्ण रसायना, हम कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन स्वरूप होती हैं। रसायन यानी दिव्य औषधि की भांति। कर्ण रसायना से तात्पर्य कर्णों के माध्यम से ग्रहण करोगे तो ग्रहण काल में भी माधुर्य का अनुभव कराने वाली। हृदय रसायना से तात्पर्य हृदय में जो अनेक प्रकार के हमारे रोग भरे भये हैं, इतर राग भरे भये हैं, तो इतर राग विस्मारणम, उन इतर रागों का विस्मरण करा देने वाली, इतने राग इतर रागों को निवृत्त करा देने वाली वे कथाएं। श्रणवतः श्रद्धा नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। श्री परीक्षित जी भी कहते हैं भगवान स्वयं हृदय में प्रविष्ट हो गए और धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरित। सलिलम माने इतर राग, इतर आसक्तियां, उनको भगवान धो देते हैं, अच्छी तरह से नष्ट कर देते हैं। और जिनके इतर राग निवृत्त हो गए तो धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व प्रक्लेशा पांत स्वशरणम यता। जैसे सभी क्लेशों से छूट कर कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, अनेक लोग प्रताड़ित कर रहे थे, और वहीं कोई एक अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति आ गया और उसने उसको बचा लिया। तो मुक्त सर्व परिक्लेशा, उन सभी के उस ताप से जो पीड़ित कर रहे थे, उनकी पीड़ा से निवृत्त होकर के जैसे वह व्यक्ति उस शरण को नहीं छोड़ता है, शरण यानी उस रक्षक के संग को नहीं छोड़ता है। शरणम गृह रक्षत्रो, अथवा मार्ग के श्रम में श्रांत हुआ व्यक्ति अपने घर में आकर के शांति का अनुभव करता है तो फिर कुछ क्षण घर में विश्राम करता है, पर वहां नहीं जाना चाहता। तो धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, ऐसी दृढ़ आसक्ति हो गई। या कहां से भाई? सुनने से भाई, सुना भगवान अंदर प्रवेश किए, क्योंकि भगवान या तो नेत्रों के माध्यम से प्रवेश करते हैं या कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। त्वं भाव योग परिभावित सरोज्जा आस्य श्रुतेक्षित पतो ननुनाथ पुंसाम। ब्रह्मा जी ने कहा था तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में, श्रुतेक्षित पतो, आप श्रवण और ईक्षित माने नेत्रों के मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं, तो उस मार्ग से हृदय में प्रवेश करके और धुनोति समलम कृष्ण, समल माने जो इतर राग विस्मारणम, जो इतर राग हैं, इतर आसक्तियां हैं, उनको धो देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, फिर क्या स्थिति हो जाती है? बोलो धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मिच्छति, निर्मल चित्त तो सोई सांचो कृष्ण बिना जिय और न भावा। यह चित्त धुल गया, निर्मल हो गया, अब कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं सुहाता। तो यह धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, यह क्या हुआ? अब उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, छोड़ नहीं सकता, यह दृढ़ा आसक्ति हो गई। यह दृढ़ा आसक्ति कैसे भाई? श्रणवतः श्रद्धा नित्यम, सुनने से। कपिल देव जी ने कहा माँ सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। सत्पुरुषों के संग में, सत्पुरुषों की सन्निधि में, भक्तों की सन्निधि में जाओगे तो मेरी हृदय को और हृदय के समस्त रोगों को निवृत्त कर देने वाली रसायन औषधि कर्ण प्रिय कथाएं होती हैं। तज्जोषणाद, उनके जोषण माने सेवन मात्र से, आंसु माने शीघ्र ही, अपवर्ग वर्तमनी, मोक्ष भी जिसके मार्ग में पड़ा रहता है, ऐसी श्रद्धा और रति, रति से तात्पर्य आसक्ति की भी प्रौढ़ावस्था, दृढ़ आसक्ति,
श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और रति, आठवां क्रम। यानी आसक्ति की प्रौढ़ावस्था को रति कहते हैं, तो वह रति और रति के प्रौढ़ावस्था भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो सासंगता का प्रकरण चल रहा था, सासंगता आए कैसे, सासंगता यानी वह आसक्ति भगवान के चरणों में कैसे हो। तो आसक्ति जिसका चिंतन चलता है उसमें आसक्ति होती है। चिंतन किसका चलता है, दृष्ट श्रोताभ्याम मनसान चिंतन, जिसको देखेंगे जिसको सुनेंगे उसका चिंतन चलता है। तो इसीलिए प्रथम श्रवण और अपने आराध्य के रूप उनका दर्शन करना, रूप का चिंतन करना और श्रवण करना, श्रवण करने से सहज में वह सासंगता की अवस्था भी प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राधे। अभी